नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं होलकर परिवार के पशु प्रेम के ऊपर, विशेषकर होलकर परिवार के पुरुषों के पशु प्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़े यानी कि सूबेदार मल्हार राव होलकर जी के पशु प्रेम से। दोस्तों, सूबेदार मल्हार राव होलकर को पशुओं से लगाव था, जिसका उदाहरण हमें कई बार देखने को मिला है। जैसे कि जब पेशवा माधव राव जी का जो श्राद्ध भोज था, उसमें जब सूबेदार मल्हार राव होलकर गए थे, तो वह साथ में अपना जो पालतू श्वान यानी कि जो पालतू कुत्ता था, उसे भी लेके गए थे और अपने पास ही उसको बिठाया था उन्होंने। तो दोस्तों, इतने बड़े समारोह में गए थे और अपने साथ एक श्वान लेके गए थे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, पर यह भी बताता है कि उन्हें पशुओं से प्रेम था। दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण हमें यह देखने को मिलता है कि जो महल में जो पशु काम में लिए जाते थे, या फिर जो राजपाट के काज के लिए जो पशु काम में लिए जाते थे, उनका भी वह बहुत ख्याल रखते थे। और अक्सर वह अपनी बहू यानी कि माँ अहिल्या को यह कहा करते थे कि ये जो पशु है, ये जो तोप के गोले ले जाने वाले ये जो हमारे बैल है, इनके चारे का तुम अच्छे से ध्यान रखा करो, इनमें भी जान है, ये हमारे बहुत काम आते हैं, हमें इनसे बहुत लगाव है, इनका आप अच्छे से ध्यान रखा कीजिए। तो इस तरह के कई उदाहरण हमें मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि सूबेदार साहब को पशुओं से काफ़ी प्रेम था। और यही पशु प्रेम का गुण उनके पुत्र यानी कि खंडे राव होलकर जी में भी आया था। दोस्तों, उनकी एक प्यारी सी पालतू कुतिया थी, जिसका नाम उन्होंने बहुत ही अच्छा रखा था, उसका नाम था गुलबदन। गुलबदन को उनसे इतना लगाव था खंडेराव जी से, कि जब खंडेराव जी की मृत्यु कुम्हेर के युद्ध में हुई थी और उनको जब चिता पे जलाया जाने की तैयारी करी थी, तो दोस्तों जो गुलबदन थी, वह भी जो खंडेराव जी की पत्नियों के साथ चिता में, वह भी समाहित हो गई थी। और दोस्तों, जब होलकरों की तीसरी पीढ़ी यानी कि जब मालेराव होलकर जी में पशु प्रेम का यह गुण आया, तो यह तो अलग ही लेवल पे था, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे उनको पशु प्रेम था, इसको आप पशुओं का ऑब्सेशन भी कह सकते हैं। और जिसके उदाहरण तो हमें भरे पड़े हैं, जैसे कि उनको पालतू जानवरों से इतना प्रेम नहीं था जितना उनको खतरनाक जानवरों से प्रेम था। उन्हें प्रेम था बाघ, तेंदुआ, चीते जैसे जानवरों से। हाथियों से तो उनको विशेष लगाव था, वह घंटों ना घंटे हाथियों को नहलाया भी करते थे, इसके लिए एक विशेष जगह भी बनाई गई थी, स्नानगार भी बनाया गया था, जिसमें वह हाथियों के साथ क्रीड़ा, जल क्रीड़ा घंटों ना घंटे किया करते थे। और उनके जो एक और प्रेम था, वह जहरीले जीव जंतुओं से भी था, जैसे कि सांप, बिच्छू, और जिससे वह लोगों को सताया भी करते थे। तो यह एक अलग लेवल की एक्सट्रीम थी, जिसकी चर्चा हम मालेराव जी पे बनाए गए हमारे इस पुराने वीडियो में भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का यह छोटा सा वीडियो मैंने बनाया होलकर घराने के पुरुषों के पशु प्रेम के ऊपर, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।